शाहीन शाह आफरीदी की छठे नंबर पर बल्लेबाजी। शाहीन शाह आफरीदी ने छठे नंबर पर आकर बल्लेबाजी क्यों की? वजह सामने आ गई। बेगम अनशा आफरीदी ने शाहीन आफरीदी से ग्राउंड में क्या कहा? तमाम तफसीलात जानिए क्रिक साजिद की इस वीडियो में। शाहीन आफरीदी का कहना है कि पहले बैटिंग पर जाने का मकसद ये था कि हर गेंद के हिसाब से बैटिंग करूं। गुज़िश्ता रोज रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लेडिएटर्स के माबेन अहम मैच हुआ। कोयटा ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया और लाहौर ने पहले खेलते हुए कोयटा को जीत के लिए 149 रन का हदफ दिया। मैच की सबसे अहम बात शाहीन शाह आफरीदी का हैरानकुन तौर पर छठे नंबर पर खुद बैटिंग करने ग्राउंड पहुंचना था। ताहम ये बात उस वक्त क्लियर हुई जब कैमरामैन ने ग्राउंड में शाहिद खान आफरीदी की साहबजादी और शाहीन आफरीदी की अहलिया अनशा आफरीदी को दिखाया। जल्द बैटिंग करने बारे लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन आफरीदी का कहना है कि उनका पहले बैटिंग पर जाने का मकसद ये था कि हर गेंद के हिसाब से बैटिंग कर सके। HBL PSL में कोयटा ग्लेडिएटर्स को शिकस्त देने पर शाहीन ने टीम को मुबारकबाद दी और तमाशाइयों से तशक्कुर का इजहार किया। लाहौर में होने वाले मैच में लाहौर कलंदर्स की टीम 19.2 ओवर में 148 रन बनाकर आउट हो गई थी। सिकंदर रजा 71, राशिद खान 21, शाहीन आफरीदी 16 और अब्दुल्ला शफीक 15 रन बनाकर नुमाया रहे थे। दूसरी जानिब शिकस्त पर ग्लेडिएटर्स के नवीन उल हक ने कहा कि 150 रन बनाए जा सकते थे और बैटिंग अच्छी करनी चाहिए थी। लाहौर कलंदर्स के डेविड वेसा का कहना था कि लाहौर के तीनों मैचेस में हाउसफुल रहा, जो कि नाकाबिले यकीन है। PSL से साबित होता है कि पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है। याद रहे कि पिछले माह 3 फरवरी को शाहीन शाह आफरीदी और अनशा आफरीदी रिश्ता इज़दवाज के बंधन में बंध गए थे और उनकी शादी की तकरीब कराची में हुई थी। दोनों का निकाह सादगी के साथ एक मस्जिद में हुआ था। अनशा आफरीदी की रुखसती की तकरीब पाकिस्तान सुपर लीग के बाद की जाएगी।